देखिए ये प्रथम राजकुमार, ये प्रथम राजकुमार को सैर सियाने के रहने वाले पाटचंद नाम के गुज्जर, ये पाटचंद नाम के गुज्जर अपने सैर सियाने में ले आते हैं। अब ये प्रथम राजकुमार सैर सियाने में रहने लगते हैं, रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं, रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं। उधर कौन, अजय नगरी में राजा अजय पाल, ये अजय नगरी में राजा अजय पाल, उन्हीं की लड़की मंजवती सियानी हो जाती है, उन्हीं की लड़की सियानी हो जाती है। देखिए वो नए ब्राह्मणों को बुलाकर और किस तरह से अपनी लड़की का रिश्ता और सैर सियाने को भेजते हैं। हे प्राणनाथ स्वामी, कहो। देखो हमारी लड़की मंजवती सियानी हो गई प्राणनाथ। ठीक है, तो हमें बेटी की शादी भी करनी है। महारानी आप एक काम करो, कहीं अच्छा सा लड़का तलाश करो प्राणनाथ। ठीक है, आपने मुझे ध्यान दिलवाया, ये तो मैं भी खुद सोचता था जी कि बेटी मंजवती सियानी हो चुकी है। हाँ जी, उसकी शादी का प्रोग्राम करना है। हाँ, बेटी की शादी रचानी है प्राणनाथ। अभी हम किसी पंडित जी को बुलवाते हैं और नाई को बुलवाते हैं। बांदी को बुलवाओ और बांदी को पंडित जी को और नाई को बुलवाओ। ठीक है प्राणनाथ। हाँ। मैं अभी बांदी को बुलवाती हूँ। हाँ। और बांदी के हाथ नाई ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ। हाँ। आरी बहन बांदी। जी रानी साहब नमस्ते। खोल रहो बांदी। हाँ नमस्ते बांदी। एक काम करो। क्या काम करना है? आप जल्दी से शहर में चले जाओ। अच्छा, और किसी पंडित जी को और एक नाई को बुला लो बहन। पंडित जी को नाई को बुला के लाओ। उनसे कहना। किस लिए? कि रानी दिबला ने आपका नौता किया है। अच्छा हाँ, वो जल्दी आ जाए। ठीक है मैं जाती हूँ रानी साहब। ठीक है ना बांदी? जाती हूँ। बहुत जल्दी बुला के लाना। ठीक है जा रही हूँ। जाओ बांदी। जाती हूँ। आइए मेरी जाने बहन। क्या आइए? ठीक हो सरकार? जी हाँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ जी। किस लिए आई हो? हम ठीक हो। हाँ हम तो ठीक है सरकार। मेरी बात सुनो। हाँ जी। आज तुम्हारा नौता है। चलो नौता। हाँ तो नौते में तो खीर उर भी बनी होगी। खीर बनी है, बड़े बड़े सामान डाले खीर में। तो पंडित जी को बुला लूँ? हाँ पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ पंडित जी को। अभी पंडित जी को बुलाता हूँ। जल्दी से, मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हुई या नहीं अभी? ना भी ना हुई कुआरी जी। चलो ना हुई तो होगा मतलब। और तेरी? कोई मेरी भी ना, मैं भी फलाड़ी फिर यहाँ। तो क्या करूँ जी मैं इसमें? उम्मीद आपके साल में निकल जाऊंगा। बस मुझे तेरी उम्मीद नहीं है। वैसे कहन सुनन चल रही है। कहाँ से चल रही जी? मेरी खाला आई थी देखना। कहाँ से? खलेरी भिंडा से हो रही है निकाह। खलेरी भिंडा से हो सके है तो शादी। खलेरी मुमेरी फुफेरी चचेरी सब चले है तो। हाँ सही है। मेरी बात सुनो पंडित जी, जल्दी से बुलाओ और मेरी बातचीत कराओ। अभी बुलाता हूँ पंडित जी को। एकदम बुलाओ। हाँ हाँ बुला दिया हूँ। अभी बुलाता हूँ। ए जी पंडित जी। अरे क्या बात है जी मान पंडित जी। हरिओम हरे राम राम राम। ये जाती है पंडित जी। पाल जी जय जी राम। क्या हुआ पंडित जी? हरिओम आप पवित्र पवित्रवा स्तांगो तो पूर्णी का संपूर्णता। हरिओम हरिओम मानी पंडित जी। मेरी बात सुनो। क्या है? अरे इसमें गंगा जल है तो मुझे इसका छिट्टा मत दियो, मुझे श्री शाम हो जाए इससे। हरी जिजमानी तुझे पता है हरी गंगा जल के लिए दुनिया परेशान है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। कोई चक्कर नहीं करते ऐसा। पंडित जी पवित्र हो जाते हैं। पंडित जी मैं खुद ही पवित्र हूँ बिल्कुल। ए जी पंडित जी कैसे पवित्र तू? पंडित जी मैं साफ सुथरी हूँ, बहुत दूर नहा आई हूँ। कैसे नहा आई? केस हर साबुन से नहा आई। केस निखार से? हाँ। अरे तू केस निखार से नहाई या भैंस निखार से नहाई? हाँ भाई ऐसा है, गंगा जल के बगैर पवित्र नहीं होते आप। पवित्र सर्वा स्थांगो तो पूंजी का कम रहता है। पंडित जी मेरी बात सुनो। हरी फिर जो जाता है। हरिओम। चलो पंडित जी ये भजन करने कपड़े हैं, मैं भजनानंदी आदमी हूँ, देखना रहा तुझे। मैंने कई सारा भजनानंदी देखे हैं तो फिर। हरिओम भजनानंदी में। ये बता जिजमानी क्यों आई है? पंडित जी तुम्हारा नौता है आज। नौता? हाँ जी। तो नौता खीर पूरी का? खीर बनी है, बड़े बड़े सामान डाले पंडित जी खीर में। अरे गोला भी डाला? गोला भी डाला। और बादाम भी डाले? बादाम भी डाले। छुआरे भी डाले? छुआरे भी डाले। और किस्मत भी डाली? किस्मत बदतमीज। अरे किसमिस कहो किसमिस। हाँ हाँ। और पखंडे भी डाले? बदतमीज। साई घी का नाश्ता मार दिया पागल बदतमीज। खीर बेकार हो गई? अरे खीर खराब हो गई है। अब मेरी बात सुनो। हाँ अब जल्दी से तुम तैयारी करो। हाँ जी। हाँ जी भाई ये बता किसने बुलाया है, किसने नौता किया है? राजा साहब ने बुलाया, रानी ने बुलाया तुम्हें तो। चलो रानी दिबला ने। जी हाँ।
राजा अजय पाल ने जी हाँ चल भाई यजमानी तो फिर तो मेरे पीछे सुबह से नहाया धोया बैठा में हाँ। कोई दावत वाला आया ही नहीं भाई खीर का ऐसे लगा हुआ हूँ मैं कैसे के जैसे किसान भुस्तियार को खेच ले खैर तसी पटांग ले से तो सुनियो खोखरे का बिल्कुल अरे तो खोखरे तो सब होते हैं जिजमान नहीं हम नहीं हम अरे ठोस कौन होता है सभी खोखरे होते हैं जिजमान छोटी खोखरी है खीर के इतने लगे हुए हैं खीर के इतने लगे हुए हैं कितने और जो चम्मच भी नहीं मिलती तो प्लास्टिक की जुत्ती से ही करते क्या बात करता है यार चलो अब मेरी बात सुनो जल्दी चलो अरे जाओ जाके कह दो हरे राम राम जाओ जाके कह दो हरि ओम हरि ओम हरि ओम रानी साहब नमस्ते खुश रहो बांदी बांदी हाँ जी कहो पंडित जी आए नहीं आए हाँ, पंडित जी भी आ रही नायिका भी आ गई पंडित जी आ गए सही और नायिका भी आ गया नायिका भी आ गया तो बांदी पंडित जी को नायिको अंदर भेज दे लेकिन मेरी बात सुनो क्यों क्या बात गड़बड़ हो गई बात इसमें गड़बड़ मैंने सुना है कि सामने रंग का पंडित खतरनाक होता है पंडित पंडित सामने है क्या सामने है बिल्कुल बांदी बड़ी अच्छी बात है अगर पंडित जी सामले हैं तो बहुत अच्छी बात है बांदी अच्छा क्योंकि सामले पंडित जी बहुत विद्वान होते हैं विद्वान होते हैं सच्ची बातें बताते हैं बांदी जरा चौकस है ये चौकस क्यों नहीं मुझे बहुत पता नहीं कोई बात नहीं बांदी एक काम कर पहले हाँ। बंदूक भेज मेरे पास बंदूक भेजो पहले उस नाई को भेज दे ठीक है भेजती हूँ हाँ जल्दी से भेज दे अंदर रोस माजा अरे नाई के क्या बात है मैं अंदर चल हाँ 9 महीने जेल तुम अब फट आ रहे अरे ये नहीं क्या रही अरे पक्के महानों में चल ये मतलब रानी साहब ने अंदर ही बुलाया हाँ अंदर बुलाया चल आ जाओ मैं चलता हूँ चलो महारानी सलाम सलाम भैया सलाम बुंदे हारी किस लिए बुलाया महारानी भैया हाँ तुम्हें मारो मैंने किस लिए याद किया है किस लिए बुलाया जी पहले जी बताओ हाँ पंडित जी भी आए नहीं तेरे हाँ, साथ पंडित जी है पंडित जी को बुलाऊं बंदो हाँ। पंडित जी को और बुला पहले पंडित जी को बुला लूं हाँ, पंडित जी को बुला जी पंडित जी है क्या पंडित जी हो अरे क्या बात है जीमान ये है पंडित जी पालगन खुश रहो जीमानी आनंद करती रहो जीमानी सदा सुखी रहो हाँ हाँ क्यों बुलाया है जीमानी मैं जा रही हूँ रानी साहब जाओ बांदी आराम करो तुम जाओ बांदी ये छिड़काव मत करो ना इनके ये गंगा जल है जी जाओ बांदी कोई बात नहीं पंडित जी हाँ देखो पंडित जी हमारी जो लड़की है मंजवती वो सियानी हो गई है पंडित जी अच्छा बड़ी अच्छी बात है जी हाँ वो सियानी हो गई है तो देख कर मार दो यानी हो जाएगी अरे ओ नाई के तुझे मालूम है हाँ? के लड़की जब सियानी हो जाती है तो शादी के योग हो गई देखी और शादी से नाई और ब्राह्मणों को बहुत आमदनी होती है ये बात है इसलिए भैया कोई बात आमदनी की जड़ है तो तू बात कर ले अच्छा जैसा हुक्म हो पंडित जी भैया ये बतलाइए महारानी बुंदो हाँ जी हमारी लड़की शादी के योग हो गई है हमें उसकी शादी करनी है तो आप एक काम करो हाँ। कहीं जाओ देश विदेश में हाँ। अच्छा सा वर तलाश करके आओ उसके लिए तो लड़का कितने उम्र का होना चाहिए री? लड़का होना चाहिए 20 साल का या 18 साल का और जो 20 साल का ना मिला हाँ। 5-5 साल के 4 तलाश कर जाऊ तू मर जा अरे 4 का क्या होगा क्यों पागल लड़का एक ही होना है भैया नहीं लड़की कभी रंग नहीं हो सकती अरे है तो पंडित जी अरे लड़की और लड़के 4 मैं अरे भैया ऐसी बात नहीं है मैं दूल्हों का मिजाज सोच कर बता रहा हूँ क्या बात भैया लड़की कभी रंग नहीं हो सकती एक मरेगा एक रहेगा एक मरेगा एक रहेगा पंडित जी देखो पहले ही कुसुम नहीं कर दी इसने बदतमीजी मानी लड़का एक ही होना है भैया बोलो लगन पत्रिका जानी है एक काम करो बंदो खाने के लिए हमारे लिए खाना बांध दो अच्छा और हमें लगन का सामान दो और पैसे दो पैसा चाहिए पैसा पैसा ठीक है हाँ, हाँ। देखो ये तो इसमें खाने का सामान है आपके लाइए है नहीं लाइए और ये रुपया 10,000 10,000 रुपया आपको ठीके में देना है लड़का कैसा होना चाहिए लड़का होना चाहिए बहुत सुंदर खूबसूरत सुंदर होना चाहिए बहुत सुंदर लड़का होना चाहिए ठीक है ना भैया एक बार बताओ महारानी देखभाल के लड़का बुरा होना चाहिए लड़का ऐसा होना चाहिए जैसा मैं अरे ओ कमीज तू को लड़का है क्या तेरी सूरत देखी है तूने आईने में अरे तू कोई लड़का है क्या पागल तू काला है ये मतलब तू काला है भाई तू तो काला है बदतमीज चल मेरे साथ चलो फिर अच्छा खूबसूरत लड़का देख के आना ठीक है अच्छा अच्छा पंडित जी पालगन सुखी रहो जी मानी जाओ पता नहीं कहाँ चलो जाना पड़े पंडित जी कुछ सुनवाते चलो भाई एक बात सुनो हाँ जी रास्ते में ना जाने कितनी दूर जाना पड़े ये बात है पंडित जी है ना बात हाँ।
यार कुछ मनोरंजन हो जाए। कवाली बड़ी अच्छी बात है, कवाली सुनवा दूं? सुना दे। लो कवाली सुनो साहब। बहारो धूल बरसाओ, मेरा मकसूद आया है, खाने को अमरूद लाया है। अरे अरे ये कोई कपाली है तेरी? तो के बहारो धूल बरसाओ, मेरा मकसूद आया है, खाने को अमरूद लाया। अबे ये कोई कपाली है? खाने पीने का जिक्र तो पहले करना पड़ेगा। अरे ओ जी बदतमीज, अबे जब तुझ पे अपने मुसलमानी मजहब की कोई बात नहीं आती, हाँ जी, तो तू हमारे हिंदवानी मजहब की बात क्या कह सकता है? तुम अपने मजहब की बात कहाँ से सुनना चाहो पंडित जी? तू हाँ सुना सकता है? हाँ जी। कोई चौपाई सुना दे, हरी भजन की बात सुना दे। मतलब रामायण में से चौपाई सुना दूँ? आती है? हाँ हाँ सुना दे। सुनो। सुना हमारे मजहब की तौहीन करता है क्या? चाय यहाँ मिलती नहीं, चाट लो सिरा। रामायण की चौपाई में चाय और सिरे का कोई जिक्र नहीं है। खाने पीने का जिक्र नहीं है? कोई नहीं है। अरे हरी भजन की बात है। हरे गलत हो गई। हरे राम राम हरे राम राम। अगली सुनवा दूँ? हाँ अगली सुनो। क्या कहा तूने? पीछे से लक्ष्मण ने बीड़ी सिल गई। हाँ अबे बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे वो? हुक्का तंबाकू नहीं पीते? अरे वो लक्ष्मण जती थे। वो लक्ष्मण माता थे? अरे लक्ष्मण माता नहीं, लक्ष्मण भ्राता। सीता माता, सीता भ्राता, लक्ष्मण माता। अबे ओ हरे राम 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 राम। और कोई आती है? जो भी गलत हो गई, गलत हो गई। इससे अगली सुनवा दूं? चल सुना। जो सुनो। अबे सीता बेल पकौड़ी खाई, अबे रामायण में क्या रह गया? तो रामायण पता है सीता के ऊपर सारी रामायण का आधार है। तो और जब सीता नहीं रही तो रामायण में रह क्या गया? तो रामायण खत्म हो गई। हरे राम राम हरे के भजन करो बच्चा। ऐसा है हरे भाई। ओहो ये शहर कौन सा है? ये शहर चाना है पंडित जी। शहर चाना? हाँ जी। अरे यार ये भी एक राजधानी है। यहाँ कोई पार्षद राधा है? पार्षद? हाँ हो सकता है कोई राजकुमार यहाँ पे मिल जाए। चलो इनके हैं मालूम करके तब चलेंगे। लड़का यहाँ मिल गया ना? जी हाँ। इससे तो टीका यहीं चढ़ा देंगे। इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी पंडित जी। एक बात सुन। हाँ जी। जो भी राजकुमार यहाँ मिले या ढोरी पर कोई मिले, हाँ बड़े तहजीब के साथ तमीज के साथ बातें करनी है। तो कोई बात खराब नहीं होनी चाहिए। तो तमीज तो मैं लाया नहीं पंडित जी। तमीज नहीं तहजीब। तहजीब के साथ जरा प्यार के साथ। ये बात हाँ कोई बात गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होने की, मैंने तुम्हारी इज्जत खराब ना कराई जब कही हो। अबे ओ अबे इज्जत खराब नहीं है तो तुम्हारी इज्जत ना कराई था। हाँ हाँ यही तो कह रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। अच्छा मैं जाता हूँ। ढोरी पर कोई मिलेगा तुम्हें ही रहना। हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हरे राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि। वालेकुम।
मैं क्या कहूँ भाई, नुकैरिया वालेकुम, उसे कहा करते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे सलाम भी मुझसे करा लिया है। तुम्हारी लाइन कट गई। और ये दरबार किनके जी? ये दरबार, अच्छा हाँ जी, ये दरबार देखिए जो पाठचंद गुज्जर हैं उनके हैं। ये मतलब? हाँ। तो उनसे जाकर कह दो तुम तो दो जंटर माइन मिल रहा था हम। जंटर माइन? हाँ जी। अरे आप कौन है भाई? मैं तो पंडित जी हूँ। अरे पंडित जी हो आप? हाँ जी। अरे यार पंडित जी हूँ। जरा इधर को ये भाई। लो जी। आप पंडित जी हो? हाँ जी। अच्छा एक बात बोलो, जब आप पंडित जी हो तो आपका गोद क्या है? दो मिनट रुकना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ। हाँ चलो हम रुक रहे हैं। हम रुक रहे हैं। बंदू पंडित जी। हाँ भैया चलो। तुम्हारा गोद क्या है? मेरा गोद? हाँ जी। या तेरा गोद? ना तुम्हारा गोद। अरे यार नाइयों ब्राह्मणों का एक सा गोद होता है, सदा साथ साथ रहते हैं। अच्छा भाई हमारा गोद है सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार तीन तीन बार ये जाओ। हरे राम 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 राम। आ जाओ महाराज अब बता मंगे। हाँ भैया हमारा गोद है जी सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार और सिल्ली मार। हाँ जी। अच्छा तुम्हारा निकास कहाँ से है? निकास? हाँ निकास भी बताओ। तीन मिनट रुक जाओ। और रुकना पड़ेगा? अभी बताओ। चलो हम रुक रहे हैं भाई। अच्छा जी। हाँ भैया तुम्हारा निकास कहाँ था? चलो ना अभी नहीं। हाँ तुम्हारा निकास कहाँ था? अरे यार कभी गोद पूछता है कभी निकास पूछता है, मैं तुझे सारी बातें इकट्ठी बताई देता हूँ। हाँ जी। गोद हमारा सिल्ली मार। हाँ। निकास हमारा किस्मत में से। और शाखा पूजे? हाँ। तो भैया कैंची उस तरह कैंची? अच्छा आप बताओ। ठीक है नाई ब्राह्मण साथ साथ रहते हैं, नाइयों का गोद ब्राह्मणों का गोद एक सा होता है। ये मतलब हर एक बात कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा जी जा तू। आ जाओ महाराज अब बता मंगे। हाँ भैया। हाँ जी क्या है? हमारा निकास? हाँ। किस्मत में था? किस्मत में से? हाँ जी। अरे शाखा कैसे उस तरह? अबे ये गोद तो नाइयों का होता है। अबा बड़ा चालू निकला बाबा मन गए। अबे ओ नाई के अबा मन गए बड़ा चालू निकला। हाँ जिजबान। हाँ। ये जो राजधानी है इस राजधानी के मालिक का क्या नाम है? देखिए ये पाचन गुज्जर। पाचन गुज्जर? हाँ मेरे भाई साहब है। उनसे जाके कहो कि अजय नगरी के रहने वाले एक नाई और एक ब्राह्मण आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिजबान हम बड़े परेशान हैं और उनसे दो बातें करना चाहते हैं। आपने क्या बोला अजय नगरी के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा आप पंडित जी हैं? मैं पंडित हूँ। और ये? मैं बुंदू नाई हूँ जी। अच्छा बुंदू नाई हूँ मैं। मैं अभी खबर पहुँचाता हूँ आपके पास। ज्यादा मत बोलना। आपकी खबर अपने भाई साहब के पास पहुँचाता हूँ। पहुँचा दो जी। आप ठहरिएगा अभी यहीं पे। आप यहीं पे ठहरिएगा मैं भी जाता हूँ। हाँ भाई साहब परचम नमस्कार। नमस्कार भैया प्रथम। हाँ भाई बोलो किस लिए आना हुआ? देखिए आपके दो मेहमान हैं। अच्छा वो कहते हैं कि हम अजय नगरी के रहने वाले हैं। हाँ एक ब्राह्मण है एक पंडित, एक ब्राह्मण है एक बाल मास्टर है। क्या कहा है? पंडित जी हैं और एक बाल मास्टर है। हाँ भैया जाओ मेरे पास बुलवा लो। आपका हुक्म हो तो हाजिर। हाँ। करूँ? बुलवा के लाओ मेरे पास। अभी जाता हूँ मैं और आपके पास बुलवा कर लाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा पंडित जी। हाँ जिजबान। हाँ क्या कहा तुम्हारे श्रीमान? मेरे भाई साहब ने बुलवाया है। बुलाया है? आइए मेरे पीछे पीछे आओ। चलिए भाई को समझा दो। हाँ इधर आ भाई। हाँ जी देख। हाँ जी परदेश की बात है। हाँ जी राजा महाराजाओं की बात है। ठीक है कोई गलत बात मत करना। नहीं महाराज। अच्छा पंडित जी कैसी बात कर रहे तुम? अबे ओ जरा मेरी इज्जत का ख्याल रखना। अच्छा पंडित जी अच्छा आओ मेरे पीछे पीछे आओ महाराज। महाराज सलाम। सलाम भैया सलाम। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सुखी रहो जिजबान। हे जिजबान बैठिए पंडित जी। हाँ अजय नगरी के रहने वाले हैं। हाँ कहाँ से आना हुआ? अजय नगरी के रहने वाले हैं, राजा अजय पाल ने हमें भेजा है। अच्छा आपके यहाँ पर कोई लड़का हो पंडित जी तो वो हमें दिखा दीजिए। उनकी एक लड़की है जिसका नाम है मंजवती। क्या कहा?
अजय नगरी से आए हो जी हाँ। और राजा अजय पाल के भेजे हुए जी हाँ। एक लड़के की तलाश है। हाँ जी महाराज। पंडित जी देखो ये आपको किसी ने गलत बता दिया, हमारे यहाँ कोई लड़का तो नहीं है। लड़का नहीं है शादी और कोई लड़का नहीं है। तो पंडित जी चलो फिर ये तो ऊँट निकले। अबे ऊँट उसे कहते हैं जिसके यहाँ कोई संतान होती नहीं। तो ये तो मना कर रहे हैं हमारा कोई लड़का नहीं है, कोई शादी के योग नहीं है ये मतलब। अच्छा जिजमान हम चलते हैं। ठहरो पंडित जी देखो लड़का तो हमारे यहाँ शादी योग नहीं है। और बाजी हमारा एक भाई साहब है। अजी भाई साहब नहीं चाहे तुम्हारा दादा क्यों ना हो। अरे ओ बाल मास्टर हाजी क्या कहा हमारे दादा की शादी हो रही है। नहीं जिजमान हमें तो लड़का सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा है कि सबसे बड़ा रिश्ता ताऊ का होता है। दादा का भैया अगर छोटा है तो वो दादा ही है, और ताऊ ताऊ कभी छोटा नहीं होता। जिजमान हमें लड़का दिखा दीजिए। ठीक है पंडित जी अगर आपकी इच्छा है तो मैं भाई साहब को बुलाता हूँ। लड़का दिखाइए पंडित जी को। हरिओम हरे राम राम। हाजी भैया प्रथम राजकुमार। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार देखो अजय नगरी से एक बाल मास्टर और एक पंडित जी आए हैं, वो आपको देखना चाहते हैं क्या। हाँ पंडित जी ये लड़का हाँ, है पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो। सुनियो पंडित जी सुनियो, लड़का तो अच्छा है, सुंदर है, तंदुरुस्त है, लड़का तो ठीक ठाक लग रहा है। भैया तू कर ले आगे चलिए। भैया आ जाओ पंडित जी। क्या बात लोमडा बिल्कुल बेकार। अरे भाई कभी जाए लोमडे का बिचाला फट गया जी। अबे ओ बिचाला फटा हुआ है। हाजी जिजमान क्यों पंडित जी क्या बात है। ये कह रहा है कि लड़के का बिचाला फटा हुआ है। क्या कहा तुम्हारे जो बाल मास्टर है ये कहते हैं कि लड़के का बिचाला फटा हुआ। हाजी अगर आपकी इजाजत हो तो बिचाला तो मैं तुम्हारे बाल मास्टर का भी खोल दूंगा। खोल दो जिजमान हमें कोई इतराज नहीं है। हरे राम 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 हरे राम राम। अरे बाल मास्टर हाजी क्या कमी निकाली लड़के के अंदर। लौंडे में कमी थी, लौंडे का बिचाला फट गया। बिचाला फट रहा हाजी। अरे बिचाला तो मैं कहो तो तेरा भी फाड़ दूंगा। नाजी देख लो ये क्या है ये देखो। ओह सुनियो पहले भी। हाँ भैया यो तो मेरे बिचाले में भी हाथपुर से पकड़ गया। अबे हाथपुर नहीं इसमें दिल्ली भी दिख जाएगी। हाजी बिचाला हर इंसान का बटा होता है। जिजमान महाराज एक बात सुनो। देखो पीछे ऊपर कोई तुम्हारी मांग वगैरह या कोई बात ऐसी हो तो बता देना। देखो पंडित जी मांग हमारी कुछ नहीं है। अच्छा बाकी एक मांग है। क्या मांग? एक मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल तो है नहीं, टायर पड़े हमारे वे दे देंगे, चलाते फिरा करियो। अरे हाँ कोई बच्चा है क्या वो नहीं से चलाता फिरेगा। जिजमान ऐसा है हाँ। कि राजा महाराजाओं की बात है, मोटरसाइकिल की क्या बात करते हो। आपको चार पहियों की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं नहीं हाथी घोड़े प्लस पालकी बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। अच्छा आप लड़के को बिठाइए हमें लड़का पसंद है। पसंद है लड़का तो हमें पसंद है। हाँ बाकी हमारी जो लौंडिया है तुम्हारे लौंडे को दबा कर पड़ जाएगी। पंडित जी हाँ ये तुम्हारे बाल मास्टर किस तरह की बात करते हैं। हाँ सही बात है। हमारी बात तो समझ में नहीं आई आप जो कह रहे हैं। मैं बताता हूँ हाँ। लड़की जरा सुंदर है, बहुत उजले रंग की है, लड़का जरा सांवला है। वो जो तुम्हारे बाल मास्टर कह रहे हैं कि हमारी जो लड़की है वो तुम्हारे लड़के को दाब को पड़ जाएगी। अरे कोई हाथी पाल रखा है क्या। नहीं नहीं लड़की गोरे रंग की है उजली है। हाँ ये कह सकते हैं लड़की गोरे रंग की है, लड़का जरा सांवला ये सांवला है, रंग में दबा लेगी यानी रंग में दबा लेगी। हाँ ठीक है पंडित जी लड़का तो यही है अगर इच्छा है। तुम्हारे लौंडे का रंग जरा कुछ दबा हुआ रह गया, कुछ गड़बड़ हो सकती है। लौंडा रंग का खैरा रह गया कुछ। अरे रंग तो दुनिया में दो ही होते हैं काला। सुनियो सुनियो जब यो लौंडा होया था तुमने इनके दिमाग को जामुन खुलाई थी क्या। ऐसा है इसकी मजाक करने का रिश्ता है इस बार। अच्छा ये लड़की का भौसा लगता है। अच्छा बोलाओ जी क्या। हल्दी के दाने लाओ, चावल की गांठ लाओ। चावल के दाने हल्दी की गांठ और पानी लाओ। पिसी हुई हल्दी चाहिए। देखो चावल के दाने होते हैं, हल्दी की गांठ होती है। पानी लेकर आओ। पानी तो मंगाया जाएगा, पानी तो यहाँ नहीं है। अब लोमटे को बुलाओ जी। बुलाओ बुलाओ जल्दी राजकुमार। ऐसा भाई साहब बैठो परे हो। अच्छा बैठो या पानी लाओ जी पानी। अरे सामने से तो हट जा तेरा जाए सत्यानाश। पानी लाओ पानी। पानी तो मंगाया जाएगा, पानी तो समय नहीं है। तो थूक सा कर दू काम। अबे ओ हाँ चावल चिपकाने अंगूठे का जरा जोर दे देना। हाँ हाँ अच्छा चावल चिपक जाएंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ तेरा। तो पानी नहीं है ना। हरिओ गणतवा गणपति सुनियो सुनियो पंडित जी जरा 500 रूपए दे दियो। क्या क्या कहा 500 रूपए। हाँ क्यों यार टिक्का करेंगे हम तुम्हारे हैं पंडित जी। हाँ आप चले जाओ। क्या बात है
मतलब पैसे हम देंगे पास से तब हमारे यहाँ नहीं नहीं ठीक क्या करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, है? अबे तुझे 10,000 रुपए दिए थे कहाँ गए पैसे फट गए जेब निकल गई खेती कर गए मेरे पास है ले तुम्हारे चीजें में 10,000 रुपए दे दे तुम्हारे हाथ लग गए थे हाँ यो भी ले भैया 10,000 की गड्डी है यो भी ठीक हो अन्याय तुम्हारी बेइज्जती हो जाती चल तिलक कर लो जी तिलक कर दूं महाराज ये लो ये तो कपड़े गजानन भूत गजानन ये 10,000 रुपए चलो खड़े हो जाओ हाँ नाक्षी से पहले जरा ठीक खड़े हो जाइए तुम्हारी अम्मा ठीक ठाक है हाँ ठीक है कुछ रिश्ता ही ऐसा है इसका अच्छा का मौसा लगता है तुम्हारी बहना ठीक ठाक है अरे मास्टर देखो मैंने आपसे पहले बताया था कि हम आपस में दोनों भाई भाई हैं हाँ जी सुना भाई साहब से पूछ रहे हैं तुम्हारी अम्मा ठीक है मुझसे मालूम कर रहे हैं तुम्हारी बहन ठीक है नीजिए ऐसा है मैं आपसे बताता हूँ जहाँ श्री महाराज की शादी हुई है वही बेच की शादी लड़की का मौसा लगता है हाँ, अच्छा। तो उस रिश्ते से कुंवर साहब से मालूम कर लिया अच्छा और गाँव बस्ती का जो रिश्ता है वो बहन भाई का रिश्ता है उस रिश्ते से आपसे मालूम कर लिया कि आपकी बहन ठीक है नहीं पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सही है एक लगाने वाला और एक बुझाने वाला जिम्मा ने काम कर रहा है जरा बड़ा ठीक ठाक लाला अच्छा और कोई शराब वराब पीने वाला आदमी नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा माहौल चल रहा है नहीं नहीं वो सब कुछ ठीक है लेकिन अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनियो सुनियो चाओ ना पिलवाने गए चाय चाय पीनी है हाँ, हाँ, आपका नाश्ता होगा पंडित जी आप ही बैठिए भैया प्रथम राज कुमार इसे चाय पिला दो भाई साहब देखो इन्हें अंदर ले जाओ और इनका नाश्ता चाय पानी पिलवाओ इनको चाय पियोगे हाँ जी आओ अंदर आओ हाँ आओ अंदर अंदर आओ अरे आओ तो सही चाय चाय देखो ये तो बड़े घबरा रहे पंडित जी इस कलम का हम ना बरात बरात ठीक है अच्छा ये लो ऐसा है ये लगन पत्रिका है लड़के के जितने बाल हैं लड़की के तो वहाँ पे है ही और ऐसा है 5 बाल है लड़के के ठीक है ठीक है लड़की के 7 बाल है और बहुत जल्दी से अच्छी तरह से बनाते हैं पंडित जी हम सब कुछ देख लेंगे चलो पंडित जी चलो आ भैया आ जाओ हरे राम 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 हरि ओम हरि की भजन करो क्या भैया प्रथम राजकुमार भैया जी देखो आपके कितने अच्छे भागे हैं कितनी अच्छी जगह से आपका रिश्ता हुआ है अजय नगरी के रहने वाले राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती भाई साहब आपका टीका बहुत अच्छी जगह से आया है ये देखो भैया हाँ अजय नगरी के रहने वाले राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती हाँ ये तो राजा है हाँ भैया राजा है एक आप भी राजा है हाँ और वह भी राजा है हाँ फिर क्या बात है और मैं क्या मैं एक रहतवा भैया प्रथम हाँ भाई देखो इस बात को ना बोलो आप ये तो वो दिन आपको याद होगा कौन जिस रोज मैं आपको बियाबान जंगल से जलादों से छुड़ा के लाया था मैंने कहा था मैं अपनी राजधानी का मालिक बना के ले चल रहा हूँ ये आपने कैसे कह दिया कि वो भी राजा है और आप भी राजा हो और मैं एक रहतवा हूँ ये क्या कहा भैया भैया पाकचंद हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ ये तो आपको सब कुछ याद है या मुझे याद है हाँ एक बात तेरी सुनो क्या तो इस रिश्ते को वापस कर दो क्यों भैया ये शादी में नहीं चाहता क्यों क्यों नहीं चाहते हो क्या वजह है भैया हाँ सुनो बोलो हर एक गढ़ सियाने के बीच में मेरे सुनो धर्म के यार कहना मेरा मान लू ये रही धरे लगा लिए ध्यान मेरा ध्यान तुम्हारी ओर है भैया अरे भारी रे राजा वो भैया अरे अजय नागरी का क्या कहा वो बहुत बड़े राजा है वो बड़े राजा है अच्छा ए भारी रे राजा वो भैया अजय नागरी का अरे जहाँ चाली के जाएगी बरात अरे मेरे सुन ही ले धर्म के भैया यार ओ शादी रचा लो तेरी मैं अजय नागरी से भैया तुम्हें कौन है पड़ी रे परवा
भाई साहब ए बार बार मैं तुम्हें समझाऊं, अरे मेरा कहना भी मानते भैया ना। ये भाई साहब भैया मेरी मर्जी ये है क्या कि आप इस टीके को वापस कर दो और शादी कहीं ऐसी जगह से करना जिससे आपका और मेरा उनका मेल खा जाए। नहीं भैया मैंने इस बात की हाँ कर दी है, मैं शादी आपकी अजय नगरी से करूंगा। अच्छा? तुम क्या चिंता करते हो, ऐसी क्या बात है। और जैसे मर्जी भाई हो रे तुम्हारी पाचन भैया, जैसे मर्जी भाई हो रे तुम्हारी। अरे भैया नहीं पीर थम को मत घबराइए मेरे यारे धराम के, भैया तुम्हें कौन है पड़ी रे परवाह। भाई साहब अरे आपकी भाभी भी खुश हो जाएगी यार। मेरी भाभी तो हमेशा खुशी रहती है, आपको मालूम है क्या होगा, खुश हो जाएगी। हाँ, क्या होगा, क्या होगा, चलो एक चले ना चलना भाई रे महल जनाइले। एक चले ना चलना भाई महल जनाइले। अरे चले भाभी रे देख रही होगी बात, चलो चलिए भाई साहब। करे तैयारी भाई रंगे महलों की, अरे जहां खटा के पाल की कहिए लाल। चलिए भाई साहब आए भाई महल जनाने, अरे कबिया में डोड़ी के पास। ओ रे कबिया आए महलों के भाई। अच्छा अच्छा और मैं रणवास को जाता हूँ तुम्हारी भाभी के पास, जाइए भाई साहब खुश हो जाएगी भाई साहब। अच्छा हाँ महाराज प्रणाम। धन्यवाद। तशरीफ लाइए महाराज, बैठिए। कहिए महाराज आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी। अरे मेरी बात को सुन के आपको भी बड़ी भारी खुशी हो जाएगी। हमें काहे की खुशी। आज मैंने प्रथम राजकुमार का टीका ले लिया है तुम्हारे देवर का। हमारे देवर का? जी हाँ महाराज। बड़ी खुशी की बात है। आपको होगी खुशी? जी हमें नहीं है। अरे तुम बहुत सेवा करती हो, देखो तुम अकेली रहती थी इसलिए मैंने सोचते हुए भाई साहब का टीका ले लिया है, और टीका बहुत अच्छी जगह से लिया है। हमारा जरा भी ध्यान नहीं करो। क्यों, ये तो सारा काम तुम्हारा ही है। अरे हम नहीं करते तुमसे बात। ये क्या बात है? बस हम ऐसे ही खुश हैं। मतलब हुआ क्या? हाथ मत लगाओ हमें। सुनो ना। हाँ छोड़ो ना हमें, हम नहीं करते आपसे बात। लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, बतलाओ ना। आपने छोड़ो ना हमें। अरे कुछ हुआ भी? आप समझे हमें। हाँ। हमारी बात को नहीं समझे आप। नहीं समझा तो समझाओ ना, क्या हुआ? क्यों जी सुनियो। हाँ। अपने देवर का खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा है ना। हाँ। कपड़े मैं धुलती हूँ। अच्छा सारा काम अपने देवर का मैं करती हूँ। आप करती हो? तुम टीका लेने वाले है कौन थे? शादी नहीं करनी? मैं इस साल अपने देवर की शादी कर नहीं रही। अरे भाई साहब आपका ज्ञान मेरे कम हुए हैं, मैं ना अपने देवर की शादी करी। टीका वापिस कर दो। मैंने देखो घर का काम इतना है, तुम अकेली परेशान रहती थी इसलिए मैंने ये बात सोचते हुए और भाई साहब का टीका ले लिया, तुम्हें भी आराम हो जाएगा। तो पहले हमसे राय मशवरा लेते, आपकी क्या राय है क्या नहीं है। अब समझे मैं तुम्हारी बात की, यानी तुम्हारा राय मशवरा नहीं किया। मतलब हमारी जरा सा भी कराने चलता करो। अरे शादी के सारे काम मैंने टीका ही तो ले लिया भैया। आपका मैनेजर
शादी का जो भी कोई काम होगा वो तुम्हारी बगैर राय से नहीं होगा, समझो ना बात को। सब कुछ काम तुम्हारी राय से होगा, ऐसी क्या बात है? अजी हाँ, राय में शरण लेना होता तो हमारे पहले हमारे पास आते, जब उसके बाद मैं आता लेते। एक बात सुनो, जबकि इंसान चार इंसानों में बैठ जाता है, किसी बात की हाँ कर दी तो उसे इनकार नहीं कर सकता ना। इनकार न कर सकते तो अपने आप शादी कर लो, मैं ना करी अपने देवर की शादी, चले जाओ बस। ये तो कोई बात नहीं रही, सुनो ना एक बात सुनो, अरे जो कोई काम होगा वो तुम्हारी बगैर मर्जी के नहीं होगा। और टीका बहुत अच्छी जगह से लिया भैया का, सही बात। अजय नगरी के रहने वाले राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती है। राजा अजयपाल? राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती। बड़ी भारी खुशी की बात है। और क्या? अच्छा तो क्यों? और प्रथम बहुत चिंता कर रहे हैं। क्यों, किस बात की? इसलिए वो मना कर रहा कि भैया मेरी शादी मत करो। क्यों जी, शादी क्यों मना कर रहे हैं वो? पता नहीं क्या बात है। लाओ दिखाओ कहाँ है वो, ये देखो पहले मुझे वो दिखाओ, कहाँ से आपने टीका लिया है, पहले मैं भी तो देखूं कहाँ से लिया है टीका। ये देखो लगन पत्रिका है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है तो क्यों नाराज हो रहे हैं वो? यूँ कह के मेरी शादी मत करो भैया। शादी मत करो और क्या, और शादी करने के ना? अरे शादी तो करनी है, जवान हो गया, मैं उन्हें एकदम खुश कर दूंगी, तुम मेरे पास भेजो। देखो गुजरी एक बात है, आज मेरे देवर की शादी है, दुनिया भर की खुशी मैं बनाऊंगी, है ना? किसी बात की अपने देवर को चिंता नहीं आने दूंगी। प्रथम को यह मालूम नहीं होना चाहिए की मेरी भाभी है या मेरी माँ है। सारा जेवर भाई साहब की बहू को चढ़ा दे, चिंता मत करो, जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा। लेकिन मेरा भी ध्यान रखा करो, हाँ मैं भी तुम्हारे घर में रह रही हूँ। काम ये सब कुछ तुम्हारा ही, ऐसी क्या बात है? इसे संभालो, जाओ तो मेरे पास दो। भैया प्रथम राजकुमार। हाँ भाई साहब। आओ तुम्हारी भाभी बुला रही हैं। आइए भैया। अच्छा। आओ आओ। हाँ भाभी नमस्कार। दूसरा देवर जी, गोद भर के ला ला हूँ, बैठो। हाँ भाभी बैठो। देवर जी मैं तुम्हारे सामने क्या बैठूंगा भाई साहब? आज आपके बैठने का दिन है भाई साहब, बैठेंगे। अरे आज भाई साहब बैठेंगे, आज आपका दिन है बैठने का, आज हमारा नहीं है भैया। हाँ ये है ना बात, ऐसा है बारात बहुत सवेरे जानी है, दो चार औरतों को बुलवा के गीत उत गवा ले, अगला काम मेरा है, तुम बीच में मत बोला करो। मुझे बता देना, फिर देर हो फिर नाराज हो जाएंगे, फिर तुम नुकसान लगाने कर रहे। ये देखो भैया भाभी, मैं अपने जेवर की खुशी अपने आप बनाऊंगी। भाभी हाँ देवर जी, मैंने तो भाई साहब से बहुत ही मने किया, किस बार? पर भाई साहब नहीं माने, शादी को मैंने मने किया था, नहीं माने वो। शादी करनी ना है कभी? नहीं वो तो बात ठीक है, बाकी वो तो राजा है और हम कौन है? ठीक है आप भी राजा है भाभी, पर मुझे तो सोचो मैं कौन हूँ। कौन? हाँ मैं रहतवा हूँ। देवर जी इस बात को कभी भी अपने मुँह से मत कहना। अच्छा हाँ, क्योंकि वो राजा है तो हम भी राजा हैं और आप भी राजा हो भैया। प्रथम तुम बार बार इस बात को कहते हो, इस बात को मत कहना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा दुनिया में तेरे अलावा और कौन है, इस राजपाट के मालिक सब कुछ तुम है। देवर जी हाँ भाभी, एक तुम ही हो मेरे, और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। ठीक है भाभी फिर हाँ। आपकी जैसी इच्छा हो मैं वैसे तैयार हूँ। और सुनियो शादी क्यों मना कर रहे थे, उठियो जरा। क्या बात है? शादी क्यों मना कर रहे थे तुम भाभी? शादी को मने में और कोई बात नहीं है, यही मने कर रहा था कि वो राजा है। मैं फिर भी सुनियो सुनियो हाँ। तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो तो... नहीं भाभी तो मैं दवाई मंगवा दूँ। नहीं ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात कोई नहीं बात है। नहीं तो बैठो। अच्छा बैठो, तुम जाओ जी बाहर को, मैं नाचूंगी अब, तुम बाहर को जाओ। अच्छा हाँ मैं नाचूंगी। हाँ और क्या बार आई सहेलियों, आई करो, आई बहनों, आज मेरे देवर की शादी है। हाँ नाच मिलेगा, आज नाचो खुशी बनाओ मेरे देवर की। अरे जी पानी में लहरे ले रही मेरे राजा बेल सिंगाड़े की, ये जी पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। सो राजा लहंगा लइयो जी, लहंगा लइयो जी, अरे
जी अखियों के बीच लगाइयो जी राजा अभिनय बचने की अरे जी पानी में लहरे लेरे मेरे राजा हो राजा से जी सजाइयो जी सजाइयो जी अरे जी मुझे ये जी मुझे हाय मुझे अपने धोरे सुलाइयो जी राजा अभिनय बचने की अरे जी पानी अरे जी पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिगाड़े की हाय पानी में लहरे ले रही राजा देखो देवर मेरे देखो खड़ा है जी खड़ा हो हाँ क्या बात है बढ़िया क्या बढ़िया चलो कोई बात ना कह लेने दो तेरा रंगी लाली गुलाबी रे बनरे तेरा रंगी लाली गुलाबी रे पसीना मुझे आता ही ज्यादा कोई बात ना देवर जी जब लो मैं साथ हूँ तुम्हारे कोई चिंता करने की बात तुम्हारे होते कोई चिंता हाँ। नहीं बस अच्छा और देखो सुनियो जरा सुंदर सी बहू लेकर आना भूरी सी ये तो तकदीरी बात है हाँ। अच्छा कोई बात नहीं जल्दी आना काम है हट रुक जा शहर डाल दे शहर डाल लूंगी इधर आओ जी इधर को सामने अरे तेरी डिबिया बड़ी चौड़ी भाई दो
बस नजर उजे ना होने की बस। अच्छा बहुत से आगे लोग बड़ी बदतमीज रहे हैं। हाँ बाल मास्टर कहिए। तूने अपने करने का काम कर लिया? जी महाराज। ये पैसा मिल गया? नहीं क्या? हाँ लो लो ये पैसे लो लो ये 10,000 रुपए हैं। अच्छा यही से लगा के हाँ और वहीं तक मेरे देवर के ऊपर बखेर करते जाना है तुम्हें। जैसा हुक्म हो महारानी। ठीक है चलिए भैया। पृथ्वी राजकुमार तैयार हो आप? एक बात सुनो बाल मास्टर। क्या बात है भैया? देखिए मेरी भाभी ने आपको पैसा दिया जी काफी बखेर करने के लिए। जी अच्छा महाराज रुपए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा भाभी अब मेरी नमस्कार।